हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन कक्षा 11 में अपना लेशन नंबर 1 चल रहा था, उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था अब तक जो आपके यौगिक निर्माण पार्ट ए पार्ट बी, जहां से आपने किसी भी यौगिक के नाम से उसका सूत्र बनाना सीख लिया था। आज की क्लास में अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए बेसिक चीज रसायन विज्ञान में मापन कैसे करते हैं उसको अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मापन के लिए कोई भी भौतिक राशि, ध्यान देना बेटा, इसमें मापन जब किया जाता है तो कोई भी भौतिक राशि, जैसे अपने पास में लंबाई हो गई, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, इन सब भौतिक राशियों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। क्योंकि रसायन विज्ञान में जो अपन को परिणाम मिलते हैं, क्या मिलते हैं बेटा, परिणाम मिलते हैं, वो क्या होते हैं आपके, प्रायोगिक होते हैं। परिणाम क्या होते हैं बेटा, प्रायोगिक होते हैं। तो इन प्रायोगिक का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, जिससे अपन को परिणाम मिलते हैं। और इस परिणाम का जो मापन होता है वो आपका संख्यात्मक परिमाप होता है। किसके रूप में होता है, आपका संख्यात्मक परिमाप के रूप में और मात्रक के रूप में। किसके रूप में, संख्यात्मक परिमाप, और दूसरा है अपने पास में मात्रक या इकाई। मात्रक या इकाई के बारे में बात करें, किसी भी मापन का जो मात्रात्मक रूप है, ध्यान देना बेटा, किसी भी मापन का जो मात्रात्मक रूप है उसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो होता है उसका संख्यात्मक परिमाप, किसकी बात करते हैं अपन, संख्यात्मक परिमाप, और दूसरा होता है आपका मात्रक। क्या होता है, मात्रक। जैसे मैंने कहा किसी भी वस्तु की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है बेटा, 3 मीटर है। किसी भी वस्तु की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। तो इस 3 मीटर में जो आपकी 3 संख्या है वो क्या है, आपका संख्यात्मक परिमाप है, और जो मीटर है वो क्या है, इसका मात्रक या इकाई है। इस तरह से किसी भी मापन में अपन को दो चीजें लिखनी होती है, वो क्या होती है, आपकी संख्यात्मक परिमाप जो संख्या के रूप में अंकों के रूप में लिखी जाती है, और पीछे जो अपन लगाते हैं वो क्या है, मात्रक होता है। जैसे नॉर्मली बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो इस तरह से अपन मात्रक काम में लेते हैं, और जो संख्या आती है उसको क्या बोलते हैं, संख्यात्मक परिमाप। ठीक है बेटा, अब रसायन विज्ञान में मापन को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए अपन 2 शब्दों की व्याख्या करेंगे। कितने शब्दों की व्याख्या करेंगे, 2 शब्दों की व्याख्या करेंगे। एक तो है परिशुद्धता, ध्यान देना बेटा, परिशुद्धता, इसकी बात करेंगे अपन, परिशुद्धता। और दूसरा है कौन सा, यथार्थता, ध्यान से सुनना बेटा, परिशुद्धता और यथार्थता, परिशुद्धता और यथार्थता। परिभाषा ध्यान से समझिए, जब किसी भी प्रायोगिक में या किसी भी प्रयोग में अपन मापन करते हैं, क्या करते हैं, मापन करते हैं, तो उसका बार बार मापन करने पर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बार बार मापन करने पर एक ही परिणाम प्राप्त होता है, उसको अपन बोलते हैं परिशुद्धता। क्या बोलते हैं, परिशुद्धता। बार बार मापन करने पर एक ही परिणाम प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, परिशुद्धता। जबकि अगर अपन मापन करते हैं, क्या करते हैं, मापन करते हैं, तो उसका जो मान है वो किसके समीप आए, वास्तविक मान के इर्द गिर्द आए, वास्तविक मान के समीप आए, उसको कहते हैं अपन यथार्थता। क्या बोलेंगे बेटा, उसको यथार्थता। ध्यान दीजिए, बार बार मापने पर अगर एक ही परिणाम आए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, परिशुद्धता। और अगर अपने पास में वास्तविक मान के समीप मान आए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यथार्थता। जैसे अपने पास में किसी वस्तु का भार कितना दिया हुआ है, 0.630 ग्राम, 0.630 ग्राम। यहाँ पर 3 विद्यार्थी लिए अपन ए बी सी, इन्होंने प्रत्येक विद्यार्थियों ने इस वस्तु का मापन 3 बार किया, क्या किया,
प्रत्येक विद्यार्थी ने इस वस्तु का मापन क्या किया, 3 बार किया। तो देखिए जब एक विद्यार्थी ने मापन किया तो अपने पास में 6.631, 6.262, 6.612। बी विद्यार्थी ने मापन किया तो 10.627, 10.628, 10.626। और विद्यार्थी सी ने अनुमापन किया तो 10.631, 10.630 और 10.630 प्राप्त हुआ। तो अगर अपन बात करें ए विद्यार्थी का मान यथार्थता में है या परिशुद्धता में है, तो ये मान न तो यथार्थता में है ना ही परिशुद्धता में है, क्लियर। और अगर बी की बात करें तो बी का मान क्या है, परिशुद्ध है परंतु क्या नहीं है, यथार्थ नहीं है। परिशुद्ध है परंतु यथार्थ नहीं है। जबकि सी का मान यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। सी का मान क्या है बेटा, यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। इस तरह से अपन रसायन विज्ञान के मापन में किसकी सहायता लेते हैं, परिशुद्धता और यथार्थता की सहायता लेते हैं, जिसको अपन ने इस उदाहरण की सहायता से समझा है। तो दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपको, परिशुद्धता में क्या होता है, बार बार मापन करने से अगर एक ही परिणाम आता है तो उसको बोलते हैं परिशुद्धता, और अगर वास्तविक मान के समीप आता है उसको बोलते अपन यथार्थता, जिसको अपन ने इस उदाहरण से कम्प्लीटली समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कौन सा टॉपिक है अपना, रसायन विज्ञान में मापन, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर अपन मापने की, अब यहाँ पर अपन आगे जब चलेंगे तो मापने की चीजें, मात्रा वगैरह की बातें अपन आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।